यूनिवर्सल लॉ है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा वट आई गिव आई गेट मैं अगर किसी को सम्मान दूंगी तो मुझे अपने आप सम्मान मिलेगा मैं किसी को खुशी देंगी मुझे अपने आप खुशी मिलेगी पर दीदी पहल हमें करनी होगी बिल्कुल वॉट आई गिव आई गेट ये सिद्धांत है अब मैं क्या करती हूं देना नहीं जानती हूं अपेक्षा रखती हूं hmm. और अपेक्षा जहां रखी तो जैसे मैंने उनसे अपेक्षा रखी वो मेरे से अपेक्षा रखते हैं करेक्ट इसीलिए ये बिजनेस चलता नहीं है दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रख रहे हैं करेक्ट लेकिन जितना देते जाओ देते जाओ बढ़ता जाएगा खुद की बैटरी भी चार्ज होती जाएगी तभी दुनिया में कहा प्रेम बांटने से बढ़ता है खुशी बांटने से बढ़ती है ज्ञान बांटने से बढ़ता है सुख बांटने से बढ़ता है हमने क्या किया इस जीवन के अंदर बांटना बंद कर दिया इतने सेल्फिश हो गए हम मुझे चाहिए जरूर लेकिन मुझे बांटना नहीं है किसी के साथ और जब ये बात आ जाती है जीवन के अंदर तो नेचुरल है जीवन में असंतुलन क्रिएट होता है करेक्ट देते जाएंगे अपने आप मिलता जाएगा आज एक मां है मां को महान क्यों माना हर एक ने क्योंकि वो बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों को परिवार को देना ही जानती है इसीलिए उसकी तुलना भगवान के बराबर की गई है क्योंकि भगवान भी अपेक्षा नहीं रखता है वो देना ही जानता है Correct. तो उनसे संबंध जब जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा इतनी भरपूर हो जाती है तो हम अपेक्षा रखते ही नहीं देना चालू करते जब देना चालू करते तो सामने भी मिलना चालू हो जाता सो ब्यूटिफुल दीदी mm. एक नया पहलू हमने जाना आज कि अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें वही चीज उन्हें देनी है। आप देखो आप किसी को सम्मान देंगे वो भी आपके प्रति वो सम्मान का भाव रखेंगे आप किसी को सहयोग दे देंगे समय आने पर वो भी आपको सहयोग दे देगा। करेक्ट आप किसी को गाली देंगे वो भी गाली देगा करेक्ट सामने नहीं दे सकेगा पीछे देगा। <laughs> जो देंगे वही वापस आएगा पर दीदी ये लेन देन की मैं बात करूं कई ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्हें हम वन साइडली दे रहे होते हैं लेकिन सामने से हमें कभी वो चीज नहीं मिलती ऐसी सिचुएशन में क्या देते रहना ही सही है या कहीं ना कहीं अपने आप को रोक कर एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या सच में मैं जितना दे रहा हूं वो जरूरी है या नहीं ऐसा है जरूरी नहीं है ऐसा तो कुछ है ही नहीं आप देते जाओ जितना देंगे आप में तो बढ़ता ही जाएगा एक गाड़ी है नई गाड़ी आप लेकर के आए बाजार से और ढक करके रख दी साल दो साल चलाओ ही नहीं बैटरी डिस्चार्ज करेक्ट गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए गाड़ी को चलाना पड़ता है hmm. जितनी गाड़ी चलती है बैटरी चार्ज रहती है करेक्ट चलाना बंद कर दिया रख दिया तो बैटरी डिस्चार्ज होनी है ठीक यही हाल हमारे जीवन के साथ है जीवन के अंदर हमें अगर अपनी बैटरी को चार्ज रखना है तो बांटते जाओ उस ऊर्जा को चलाओ hmm. संबंध में व्यवहार में कर्म में लैटिक फ्लो करेक्ट जितना ये ऊर्जा चलेगी उतनी बैटरी चार्ज रहेगी तो इसीलिए यह भी एक हिसाब हो जाता है कि क्या मुझे ही देना है देना है देना है हर बार मुझे ही देना है क्या सामने वाला नहीं देगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है